तो पहला सेमीफाइनल टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी वन का खत्म हो चुका है और पहला विनर भी मिल चुका है जिसका नाम है न्यूजीलैंड और ये एक बदले का भी मैच था लेकिन खास बात यह थी बॉस कि इस मुकाबले में कहीं ना कहीं ना भारत जैसी बड़ी टीम के पास सबक लेने के लिए बहुत कुछ है और वो, वो क्या क्या सबक है उस बारे में तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन इंग्लैंड ने आज पहले बल्लेबाजी की क्योंकि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया और हम देख रहे हैं यूएई में जो भी टीम टॉस जीतती है पहले गेंदबाजी करती है क्योंकि बाद में गेंदबाजी करना एक डिसएडवांटेज होता है लेकिन इंग्लैंड के पास ये मैच जीतने का मौका था अगर ये विनिंग पार स्कोर अगर जो जीत के लिए जो स्कोर चाहिए था वो ऐसा लगता है कि करीब एक सौ अस्सी के आसपास था वो अगर बना लेते तो शायद न्यूजीलैंड से मुकाबला जीत सकते थे एक झटका शायद इंग्लैंड को पहले ही लग गया क्योंकि हमको मालूम है जेसन रॉय की मांसपेशियों में पिछले मैच में खिंचाव आ गया था मैच शुरू होने से पहले ही पता पड़ा कि जेसन रॉय फिट नहीं हुए सैम बिलिंग्स उनके जगह आ गए तो भले ही जेसन रॉय शुरुआत दिलाते या नहीं दिलाते अलग बात है लेकिन उनके जाने से एक झटका जरूर लगा इंग्लैंड की टीम को और एक झटका शायद उनके मोमेंटम टूटने से भी लगा जो कि लीग का आखिरी मुकाबला था वो गवाह बैठे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ वहां जो जीत का मोमेंटम था वो शायद इंग्लैंड थोड़ी सी गवाह बैठी और उसके बाद जब यहां पर आई तो वो कॉन्फिडेंस वो आत्मविश्वास इंग्लैंड की टीम में नहीं दिख रहा था एंड मॉकिन की टीम में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था और पहले बल्लेबाजी करते हुए एक रन बनाए शायद पंद्रह बीस रन कम थे ये विनिंग टारगेट से लेकिन उसके बाद अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें आप देखिए एक रन सिर्फ चार विकेट के नुकसान पर बना है सिर्फ चार विकेट के नुकसान पर आप आ, अपनी पारी को जो है वो तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते थे शायद इंग्लैंड चूक गई न्यूजीलैंड की तरफ अगर गेंदबाजी देखें तो इस सेमीफाइनल में उन्होंने सात सात गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। सेवन बोलर्स जी हां और कुछ ऐसा ही जब भारत एक बड़ी मजबूत टीम होती थी और वर्ल्ड चैंपियन बनी थी ना 2007 में सेमीफाइनल में सात गेंदबाजों गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था के अलावा बल्लेबाज भी हाथ घुमा लेते थे गेंदबाजी कर लेते थे वीरू ने भी गेंदबाजी की थी कुछ ऐसा ही न्यूजीलैंड के साथ है बैट्समैन भी बोलिंग कर लेते हैं या बैटिंग ऑलराउंडर्स भी हैं जो ठीक ठाक गेंदबाजी कर लेते हैं तो सिर्फ चार विकेट लिए सात गेंदबाजों का इस्तेमाल किया वैरायटी थी तो यहां पर 166 में रोकने में कामयाब हुए और उसके बाद जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने उतरी तो तेरह रन पर दो विकेट खो दिए जिसमें दो बड़े नाम थे मार्टिन गप्टिल और केन विलियमसन तेरह पे दो और ऐसा लगने लगा कि एक साथ साथ का जो टारगेट है वो न्यूजीलैंड यहां से नहीं पा सकती लेकिन क्या कैरेक्टर न्यूजीलैंड ने दिखाया जो एक बार फिर हिंदुस्तान की टीम में हुआ करता था अब हिंदुस्तान की टीम को पाना है और वो क्या है वो मिडिल ऑर्डर क्या बल्लेबाजी की यहाँ पर उनके ओपनर की अगर बात करें डायरल मिचल जो नॉट आउट रहे से गेंदों में बहत्तर रन बनाए और बयासी रनों की साझेदारी देखिए किसके साथ चार नंबर पर करने बल्लेबाजी करने वाले डेवॉन कॉनवे की जिन्होंने छियालीस रन बनाए अड़तालीस गेंदों में इसका मतलब यह था कि रन भी लेते रहे स्ट्राइक भी रोटेट करते रहे और अपनी टीम को आगे बढ़ाते रहे रुकने नहीं दिया स्कोर को ये मिडिल ऑर्डर में कुछ ऐसी ही टीम अब हिंदुस्तान को भी यहां से बिल्ड करनी है और आखिर में निशम ने जो बल्लेबाजी की 11 गेंदों में 27 रन और उसके बाद डेरोल जिस फॉर्म में थे जिस अंदाज में वो खेले और टीम को जिताया चौका लगाकर एक ओवर रहते हुए एक रन बनाए पांच विकेट के नुकसान पर पांच विकेट की जीत दर्ज की पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने तो इस जीत के बाद जिस तरह हर डिपार्टमेंट में न्यूजीलैंड खेली है और एक वक्त जब लग रहा था शायद इंग्लैंड इस मैच को जीत जाएगी उस को तोड़कर न्यूजीलैंड ने जो जीत दर्ज की है ऐसा लगता है कि शायद जो दो टीम और बची हुई हैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच एक सेमीफाइनल मैच बाकी है उन दोनों में से जो भी जीत का फाइनल में पहुंचता है जिसके खिलाफ भी न्यूजीलैंड खेले तो ऐसा लग रहा है कि इस फाइनल से पहले सबसे बड़ी दावेदार शायद इस वर्ल्ड कप की न्यूजीलैंड बन गई है क्रिकेट की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें दबाएं।